रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान भाई? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इतनी महंगी खादें उसने इस्तेमाल की, तेल महंगे किए, तो किसान यही उम्मीद कर रहा था कि मुझे मुंजी का 5,000 रेट मिले। हर किसान यही उम्मीदें लगाई बैठा, तो आधी से ज़्यादा तकरीबन मुंजी निकल गई। कुछ किसान जो है वो इतना ज़्यादा रेट नहीं ले सका। अभी भी मुंजी का अरेवियर बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि मुंजी थोड़ी आ रही, मुंजी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो खुशखबरी की बात ये है कि अरेवियर ज़्यादा होने के साथ साथ भी मुंजी का जो रेट है वो हर रोज़ बढ़ रहा है। कल रेट में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, कल के बाद जो आज इजाफा देखा गया बड़े ही ज़बरदस्त इजाफा रहा है। तो किसान भाइयों के लिए जब खुशखबरी होती तो बड़ी खुशी होती, किसान भाइयों को फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले अगर कैनात 11, 21 और 17, 18 ये दोनों सेम ही वैरायटियां हैं, तकरीबन थोड़ा अपग्रेड किया गया लेकिन इनका रेट सेम ही है, को 20 या 30 रुपए 50 का फ़र्क आ जाता ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसकी टॉप क्वालिटी की और अच्छे माल की बात करें, जो सिरे का माल है, VIP हाथ वाला माल, तो वो 5,000 से 20-30 रुपए ऊपर भी गया है आज। और जो लो क्वालिटी का माल है, मतलब सबसे लो क्वालिटी, वो 4,500-4,400 तक रही है। जो कटर का माल सर बहुत ज़्यादा, उसमें सबज दाना, जो कटर का VIP माल, कटर का अच्छा माल है, वो 4,600 से लेकर 4,700 तक वो भी रहा है। मतलब मार्केट फुल गर्म है और 200 से 250 रुपए का आज इजाफा देखने को मिला, मजीद इजाफा होगा। अभी मुंजी बहुत ज़्यादा आ रही मंडियों में। इसके बाद अगर बात करें 1509 और 1692 की, तो उसका रेट भी 5,000 तक रहा है। तकरीबन आज ये सेम रेट रहे हैं, 17-18 का रात, 11-21, 1692, 1509, ये जो वैराइटियाँ चारों इनका सेम रेट रहा है। उसके अगर लो क्वालिटी वाले माल की बात करें तो वो 4,500 से 4,400 तक रहा है, और अगर अच्छे कटर वाले हाथ वाले कटर वाले अच्छे माल की बात करें तो वो 4,400 से लेकर 4,500-4,650 तक मतलब सेल होता रहा है। इसके बाद अगर बात करें सुपरी की, तो सुपरी की मार्केट भी फुल गर्म है और सुपरी की मार्केट भी 4,000 से ऊपर आज गई है। 3,300 से लेकर 3,700 रुपये तक जो कटर वाला माल है ये सेल तो होता रहा, और बाकी जो माल VIP माल है वो पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों में आज 4,000 प्लस गया है, 4,020 रुपये 30-40 रुपए तक भी गया है। अगर हाईब्रिड की बात करें तो हाईब्रिड रुकी हुई थी 2,400 से लेकर 2,800-2,850 तक, तो वो आज 2,150 तक गई, उसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, एक्सपोर्ट के कुछ और सुनने में मुआहदे आ रहे हैं कि और भी मुआहदे होंगे, जैसे जैसे और मुआहदे होते हैं मुंजी की कोई लिमिट नहीं, क्योंकि पिछले सीजन में डॉलर का रेट भी नीचे था लेकिन फिर भी आपने देखा जो जब स्टाकिया के पास ये गई तो 7,000 से ऊपर चली गई। तो वही मैं कहता हूँ, इस दफा अगर किसान के पास ताकत है, किसान रख सकता तो वो अपने पास रखे। 7,000 तो क्या, 7,000 से ऊपर की पेश गई इसकी, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आपको इसलिए नहीं बताते, फिर बाद मार्केट अप डाउन हो जाती, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही मुंजी, मुंजी में कोई मंदे का दूर दूर तक चांस नजर नहीं आ रहा। बस एक ही कोशिश आप करें, अच्छे से पका कर इसकी कटाई करवाएं। इसके बाद अगर बात करें गंदम की, तो गंदम की मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है। जो मार्केट 4,350-4,400 पर रुकी थी, आज पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों में 4,600 तक काम हुआ, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और मजीद अगला जो महीना आ रहा है इसमें गंदम और ज़्यादा तेज़ होगी। अगर मकई की बात करें तो आरम वाला मंडी जो 2,100 पे थी, उसमें आज 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ है, 2,130-40 रुपए तक वो मार्केट है। और रुकाड़ा जो मंडी वो टॉप पे रहती, वो 2,250 तक भी गई है, उसमें सिरे का जो माल है। अगर तिल तिली की बात करें तो तिल तिली की मार्केट मजबूत है, 17,000 से लेकर 18,000 के दरमियान मुख्तलिफ मंडियों में, मतलब कहीं 200 ऊपर, कहीं 200 नीचे, कहीं 100, इतना फ़र्क आता है। मैं पंजाब की ओवरऑल मंडियों की अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। सरसों की अगर बात करें तो आज सुनने में आ रहा है कि सरसों में बेहतरी देखने को मिली, सरसों भी 6,000 से ऊपर गई, 200-300 रुपये। अच्छा, एंड पे एक और मैं आपको रिपोर्ट देता चलो कि कायनात 11 के बारे में एक और भी मैंने न्यूज़ सुनी, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है, उम्मीद है कल तक के तहकीक हो जाए। खान का डोगरा की एक लाइव बोली मैंने देखी, एग्जैक्ट उसकी डेट नहीं मिल सकी, वो भाई तो यही कह रहा था कि ये आज की है। उधर 5,355 रुपए तक भी कनात 11-21 गई, कनात जो 11-21 के इस दफा चांस जाएगा ये 7,000 से भी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अब दुआ करें मुआहदे एक्सपोर्ट के और ज्यादा और जिम्मेदार को और ज्यादा बचत हो। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, हाजिर होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।